लोग नारा लगाते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांचराम करेंगे पूरा। अब नारा लगने लगा है बाबा तेरा मिशन अधूरा माने अखिलेश यादव करेंगे पूरा। महंगी सब्जी, महंगा तेल और मोदी राज में बिक गई रेल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरके चौधरी जी, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं मुलालगंज से। चौधरी साहब, आपका लोकमत में स्वागत है। धन्यवाद भाई। क्या माहौल चल रहा है मुलालगंज सीट का, क्योंकि आप क्षेत्र में हैं, घूम रहे हैं लगातार? बात सही है कि मुलालगंज में तो लोग इच्छुक हैं और वो बीजेपी के सांसद को हराना चाहते हैं और निश्चित तौर पर उसके वजह उनको जिताना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने आप में काफ़ी मजबूत है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समर्थन पूरा हमको मिल रहा है, तो वो बीजेपी के कैंडिडेट का विकल्प हम समझते हैं। इसलिए जो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, उसके अलावा भी जो लोग जनरल हैं, किसी पार्टी में विशेष रूप नहीं जुड़े हैं, तो वो हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। जी जी, 5 किलो राशन, 2000 किसान को गैस सिलेंडर फ्री, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो उनके आगे आप कैसे जनता के पास जाकर के लोग समझा पा रहे हैं? देखिए, 10 साल में जनता नहीं बोली, अब बोल रही है कि राशन तो पहले ही मिलता था और अगर उस मिलने वाले राशन को अमाउंट में जोड़ा जाए वो ज़्यादा आता नहीं। चाहे वो लेबर क्लास हो, वो भी सोचने लगा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनको भी पढ़ लिख के इस देश में आज नहीं कल 50 साल बाद सही उच्च वर्ग के बराबर ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो लालायित हैं कि हमारे अगली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी इस देश में कुछ बने, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं, पाते हैं कि बीजेपी खाली गुमराह कर रही है, हिंदू मुसलमान के माहौल को बना के हमसे वोट लेती है, राशन देके हमसे वोट लेती है, लेकिन हमारे जो अगली पीढ़ी है उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप किस सबक सिखा रहे हैं? जी जी, हम कह सकते हैं कि जो सारी बातें आप कह रहे हैं, ये क्या जनता तक विपक्ष पहुँचा पा रहा है? क्योंकि जनता तक विपक्ष अगर पहुंचाएगा तभी तो बात मालूम होगी। जनता तो ये कह रही है कि कम से कम 5 किलो राशन तो मिल रहा है। अब देखिए, शुरुआती दौर में आज के 10 साल पहले जब बीजेपी सरकार बनी थी और मोदी जी का चेहरा सामने आया था, बातें बड़ी बड़ी किया, लोग लट्टू हुए, हम भी तारीफ करते थे। अब लोग सोचते हैं कि ऐसा नेता जो थाली बजा के कोरोना भगा लेता है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड है, और बातें बड़ी बड़ी कि देश के वो महापुरुष एक साथ मंत्रणा करते थे, कभी कहा था, जबकि तीनों तीन युग पैदा हुए। तो नेता कितना भी ललकार की बोले या बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, पहले समझते थे चलो ये गलती हो गई होगी। तो अब बीजेपी पे, आरएसएस पे और उसके मुखिया जो मोदी हैं, उन पर विश्वास टूटता होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उसका विकल्प के तौर पर हम लोग आगे आ रहे हैं और कोशिश करने की देर से फिर इसको ऐसा खड़ा करें मोमेंट को, जिससे इस देश में किसी के साथ धोखा ना हो सके। इंडिया गठबंधन क्या वो धार बना पा रहा है जो बनानी चाहिए थी, जो एक माहौल बना था शुरुआत में, उसके बाद बीच में चीज़ें, कई सारी चीज़ें इधर उधर हुई हैं, तो क्या वो धार बन पा रही है बीजेपी के खिलाफ? भाई, सही आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जो लोग शुरुआत में चले थे, अगर होते तो मुझे लगता है कि हमें प्रचार करने की जरूरत न पड़ती, पब्लिक अपने आप लड़ती। लेकिन मोहन लालगंज लोकसभा क्षेत्र पब्लिक लड़ रही है, ये नज़ारा पूरे देश में होना चाहिए था, हो सकता था। अगर नहीं है तो इतना तो ही है कि इस बार बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। हम लालायित हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर लालायित हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री विपक्ष का या इंडिया अलायंस का कौन बने मैं नहीं जानता, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर सवेर हम सबके नेता माने अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए आम जनता, खासतौर से सपा के समर्थक, लालायित हैं, उत्साहित हैं। 400 पार की जो बात की जा रही है उस पर कुछ कहेंगे? अब वो भी एक जुमला है, कहते हैं 400 पार, लेकिन आम लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत के संविधान पे अंकुश लगाने प्रयास किया है, तो उनका उनकी एक योजना है कि हमारे पूर्ण बहुमत सरकार बन जाए, 400 आ जाए, जिससे इस देश के संविधान को हटाया जा सके। तो निश्चित तौर पे पब्लिक समझ रही है, आज के 2000 पहली बार बोल रहे हैं इस तरह से, लेकिन आम जनता बोलने लगी है कि देश को खतरा है। सरकार का दावा है कि तमाम सारे लोगों को रोजगार दिया गया है, महंगाई कम की गई है, देश का बहुत विकास हुआ है। भाई, हम तो ये कहेंगे कि महंगी सब्जी, महंगा तेल और मोदी राज में बिक गई रेल। तो महंगाई तो बढ़ी है, घटी नहीं है, और देश का जो नौजवान है वो नौकरी तलाशता है लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं।
यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वांट अब निकलना शुरू ही है, लेकिन हर वांट में इम्तिहान आते आते पेपर लीक आउट जाता है और जो लोग पकड़े गए हैं जेल में हैं वो अधिकांश लोग बीजेपी के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर पब्लिक सब समझ रही है जो आप देगी। अच्छा, लोकसभा जो सीट है जिस पे आप समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं, वहाँ पर बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो दो बार के सांसद भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनकी पत्नी विधायक भी हैं, तो ऐसे में कितना आपके लिए संघर्ष है या कितना कठिन है? सरल है भाई, कौशल किशोर में कभी संघर्ष करते थे, लेकिन बीजेपी के चंगुल फंस के वो भी ऐसे निश्चिंत हो गए कि बीजेपी के नाते हमको वोट मिलेगा, मिला भी है, सही है, दो बार जीते, लेकिन पब्लिक कब तक वेट करेगी? संघर्षशील नेता हैं, कभी हिम्मत नहीं किया, और हम जैसे आदमी जिनको बीजेपी टिकट देने की कोशिश की थी मुझे लगता है कि 17 में, तो हमने कहा कि हमें हार जाना मंजूर है लेकिन बीजेपी के सिंबल लेके जीतना मंजूर नहीं है, इसलिए कि बीजेपी काम नहीं करने देती और दलितों से पिछड़ों में जो अगर कोई नेता उभरता है और सेल्फ सर्विस करता है और खासतौर संघर्ष वाला होता है उसको मिटा देते हैं। तो कौशल किशोर का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं के नाते काम नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक कि अभी 8 करोड़ रुपया सांसद निधि का नहीं टाइम से कर पाए, वापस लौटाना पड़ा। नेता तो होना चाहिए जो सांसद निधि विधायक निधि मिले पूरा खर्चा करे और झपट्टा मार के और पैसा ले आवे जिससे ज़्यादा काम हो, वो भी नहीं किया। और ख़ास तौर से जो घटना घटी उनके यहाँ कि नशा मुक्ति आंदोलन चलाया, कितना चला मैं जानता नहीं, लेकिन घर में घटना घट गई, 10 रुपये की घटना घटी, तो निश्चित तौर पर आम पब्लिक समझ गई है कि भाई ये तो नहीं कर पाएंगे। जी जी, आर के चौधरी जी को मोहनलालगंज की जनता वोट क्यों दे और क्या चाहते हैं आप कि मोहनलालगंज में आपको मौका अगर जनता देती तो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जो अभी नहीं हुआ है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र की जनता पसंद करती है, खास तौर से उन्होंने सीखा है मोहनलाल असेंबली सेगमेंट से, जहाँ के लोग नारा लगाते थे कि बिजली पानी सड़क अधूरी आर के चौधरी करेंगे पूरी, ये नारा इसमें पूरे लोकसभा में लग रहा है, इसका फायदा हमको मिलेगा। जी जी, मायावती जी के साथ भी आप रहे हैं, बहुत काम किया है, तो क्या लगता है इस बार लोकसभा में उनकी क्या रणनीति? कहा जा रहा है कि वो भले कुछ ना कर पाए लेकिन खेल जरूर बिगाड़ सकती हैं। देखिए, जो मोमेंट बनाया गया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाद, ये बनाया है मानवंत कांतराम जी, मैं उनका चेला हूँ और हमें लगता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब यूपी का मैं इंचार्ज था तो मायावती राष्ट्रीय महासचिव थी, हरियाणा देख रही थी, दिल्ली देख रही थी, यूपी में पश्चिम के 3 मंडल देख रही थी, मैं पूरा देख रहा था। तो मानवंत कांतराम बहुत कुछ सीखा है, समझा है, अब वो बन गई मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पर एक रुझान बढ़ा समाज का। इस समय जिस तरह से आफ्टर कांताराम साहब रोल किया उन्होंने, तो उससे लोग दुखी हैं और भरोसा नहीं कर रहे हैं, यही कारण कि बहुजन समाज पार्टी घटती गई। आज तो बड़े पैमाने पे दलित समाज, खासकर गौतम समाज आर के चौधरी साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, उम्मीद करता है कि मानवर कांताराम जी कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मोमेंट चलाना है और हम लोग नारा लगाते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांचराम करेंगे पूरा, अब मानवीय कांचराम है नहीं, अब नारा लग गया है, लगने लगा है जब से पीडीए बना है। मानवीय कांचराम बहुजन समाज बनाए थे, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, माने अखिलेश यादव ने बना दिया पीडीए, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, तो वही हुआ, अब नारा लगने लगा है बाबा तेरा मिशन अधूरा माने अखिलेश यादव करेंगे पूरा। जी जी, एक सवाल और है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत इंडिया गठबंधन की बात करते थे लेकिन खैर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, पल्लवी पटेल अलग हैं, चंद्रशेखर राव अलग हैं, तमाम सारे, तो क्या इनका कुछ फर्क पड़ेगा? जो बात हो रही 80 हराओ संविधान बचाओ, तो ये लोग अगर साथ होते तो कुछ और फर्क होता, ऐसा कहा जा रहा है, अगर नहीं है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा उसको लेकर के पीडीए पर? देखिए, ये सब निकले हैं मानवर कांताराम जी के टीम से, अपने लीग छोड़ दिए हैं, मैं तो पकड़ा हूँ अभी, आगे इसको और तेज करेंगे। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, मैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो भी मेरा सम्मान करते हैं, ये भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भाप गया था कि ये अलग पार्टी बनाएंगे, सपम रहते हुए भाप गया था, वरना हमारा तय हुआ था कि महीने में एक बार हमारे यहाँ आएंगे, मैं उनके यहाँ गया तो वो दो बार मैं उनके यहाँ गया, दो बार हमारे यहाँ आए, अपना पर वाली बात हुई, अभी मैं उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग गलत कर डाली
और अगर राष्ट्रीय महासचिव पद से छोड़ दिया, पद त्याग दिया, तो कोई बात नहीं है, उन्हें MLC वाला पद नहीं त्यागना चाहिए था और सभा में रह के काम करना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो बेस है वो है PDA, और PDA जहाँ बेस है वहाँ कोशिश की जाए कि अगड़े भी खुश रहें, पिछड़े भी खुश रहें, हिंदू भी खुश रहें, मुसलमान भी खुश रहें, एक बड़ी पार्टी हो सकती है। आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाए। इसमें सांसद महोदया का बड़ा रोल होना चाहिए था, नहीं है, अफसोस तो हमें है, लेकिन गलती किया उन्होंने। जहाँ तक पल्लवी पटेल जी की बात है, वो भी निकले हैं मानवीय क्रांति के मूवमेंट से, अब हर आदमी MP होना चाहता है, और भी सपा के सिंबल से ही लड़ी हैं, सपा के सिंबल से MLA हैं, अभी भी हैं, मतलब उनको संभाल काम करना चाहिए। और बहुजन समाज बड़ा समाज है, बहुजन समाज के लिए काम करना चाहिए, PDA के लिए काम करना चाहिए। अब फैसला उनका है, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन हमारी शुभकामना है ये नेता भी आगे बढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन अगर समाजवादी साथ, समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल कर काम करें तो हम लोग होता आगे बढ़ेंगे। क्या जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि किसी तरीके से BJP को रोकना है, तो क्या BJP को समाजवादी पार्टी या PDA उत्तर प्रदेश से रोकने में कामयाब होगी, और कितना कामयाब होगी? लास्ट सवाल भाई, देखिए इस बार हमारी कोशिश है कि पूरे देश के स्तर पर जो नेता विपक्ष में हैं वो लामबंद तो ही काफ़ी हद तक अभी बिल्कुल BJP की सरकार न बनने पावे, और जब असेंबली चुनाव होने लगे तो फिर BJP के MLA भी न बनने पावें, सरकार न छोड़ो, जितना हम लोगों को कम कर ले जाएंगे कम कर देंगे, ये सोच है और इसको करेंगे हम लोग। अच्छा सर, BJP जैसे सब लोग हटाने की बात कर रहे हैं, तो BJP जैसे हटेगी तो क्या कुछ परिवर्तन होगा देश का, क्या परिवर्तन होगा? एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जी, क्योंकि देश की जो आम जनता चाहती है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपना धार्मिक ग्रंथ मानने लगी है। आज के 10 साल पहले संविधान बात नहीं होती थी, आज कोई नेता नहीं है, लेकिन आम कार्यकर्ता हर पार्टी कहने लगा संविधान संविधान संविधान, बाबा साहब कहने लगा है। ये बड़ी बात है, इस समय कैश करना चाहिए और उस उनके पदचिन्हों चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस समय दो संविधान काम कर रहे हैं, एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, भारत का संविधान, दूसरा उसके एंटी RSS BJP पर चला रहे हैं मनुस्मृति। अब मनुस्मृति और भारत के संविधान में जमीन आसमान का अंतर है, दो संविधान पैरेलल चल रहा है, इसलिए उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि BJP चला अपना संविधान, लेकिन इस देश की आम जनता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान मानती है और देश इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आतिफ चौधरी साहब, जिनका साफ कहना है कि इस बार पूरी तरीके से PDA तैयार है, इंडिया गठबंधन तैयार है BJP को लोकसभा चुनाव में रोकने का, और इसके बाद अगला जो इनका संकल्प है वो विधानसभा है, कि विधानसभा में इनका रोका जाएगा तभी संविधान बचेगा और देश बचेगा। रजनीश यादव, लोकमत, लखनऊ।